हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S22 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन का सिम कार्ड मोबाइल से बाहर निकाल के उसे दोबारा से सिम ट्रे पे अच्छे से सिम को लगा के उसे मोबाइल फोन के अंदर इंसर्ट कर देना है। इससे भी कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और दोस्तों, ये भी आपको चेक करना है कि आप जो अपने मोबाइल फोन का कॉलिंग रिचार्ज कराते हैं उसे आपको चेक कर लेना है, कहीं वो खत्म तो नहीं गया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फोन का कॉलिंग का रिचार्ज खत्म हो जाता है, जिसके कारण भी फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आपको ये भी कंफर्मेशन कर लेना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने ना मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट करना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है कई बार ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे फोन में कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब यहां पर आपको इसे रीसेट पे टैप करना है, आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग रीसेट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको यह करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के ऐप को रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे? देखिए, अगर आप इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से आप दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है इस तरीके का। इस पेज में आपको ये जो कोने में सर्कल के अंदर आई बटन दिखाई दे रहा है, इसे आपको टैप करना है। आपका ये ऐप इन्फो का पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो क्लियर डेटा का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, इसके बाद क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है। तो आपका ये जो डेटा और ये जो कैच है, इन दोनों के सामने वाला डेटा ये आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन का एक कॉलिंग का ऐप रीसेट करना है, जिससे आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो हमारे फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण भी हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे की साइड सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करना है। इसके अंदर आपको डाउनलोड इंस्टॉल पर टैप करना है। अब यहां पर आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर एक कनेक्शन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको मोबाइल नेटवर्क पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे ऊपर थ्री डॉट पे टैप करना है, छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। नीचे एक पेज आएगा रीसेट APN सेटिंग का, इसमें रीसेट पे टैप करना है। नीचे लिखा हुआ आ जाएगा APN सेटिंग रीसेट टू डिफॉल्ट, इस तरीके से APN सेटिंग को भी रीसेट कर देना है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट करना है। देखिए, फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पर टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा। इस तरीके से इसे रीसेट पर टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पर टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, इससे आपके फोन की कॉल एंड्रॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।